हेलो दोस्तों, आज मैं एक आपके लिए और एक नई वीडियो लाया हूँ। ये सोनी का बहुत पुराना मॉडल है, सोनी एक्सपीरिया, ठीक है। ये सोनी एक्सपीरिया E1, ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल जो है कि चालू नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है। तो आज हम इसको पहले चार्जिंग लगा के देखते हैं क्या बता रहा है, ठीक। उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे, क्या प्रॉब्लम है आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये चार्जिंग सॉकेट, ये चार्जिंग का पोर्ट लगाया, देख लेते कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। दोस्तों कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हम इसको निकाल लेते हैं और इसका पीछे का बैक पैनल खोल लेते हैं। तो बैक ढक्कन खोल लिया, ठीक है। ये बैटरी, ये सोनी लिखा हुआ है, ठीक। इसका मॉडल नंबर है D2105, है ना। तो हम इसको पहले तो एक बार ये चार्जिंग भी लगा के बाद देख लेते हैं, ठीक है। ये तो करंट वगैरह, ठीक है दोस्तों। अभी तो कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें रिपेयरिंग मोबाइल सुधारना सीखना है तो सबसे पहले हम बैटरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मोबाइल खोलेंगे। तो बैटरी तो जो लग रही है हमें डिस्चार्ज लग रही है, तो उसको सबसे पहले हम इसमें जो है थोड़ा सा शॉर्ट मार लेते हैं, ठीक है। झटका मारने के लिए ये जो दिख रहा है, हम इसके द्वारा झटका मारेंगे। ये जो रेड वाला है ये प्लस कहलाता है, ये ब्लैक वाला ये माइनस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये भी मैं आप इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप खुद घर बैठे बैटरी में झटका मार सकते हैं। तो ये हम इसमें झटका मार लेते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट हम इसको लगा लेते हैं ताकि हमारे बैटरी में जो करंट आ जाएगा थोड़ी बहुत चार्ज हो जाए। तो हम इन दोनों को हटा लेते हैं, ठीक है। मोबाइल में लगा के देख लेते हैं, अगर बैटरी हो सकता है हम बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो तो मोबाइल उठ जाए। उठा कर देख लेते, प्रेस करने से तो नहीं उठ रहा है, हो सकता है बैटरी ख़राब भी हो सकती है, ये भी हो सकता है दोस्तों। एक काम करते हैं, हम दूसरी बैटरी इसमें लगा के देख लेते हैं। ये नोकिया की बैटरी, ठीक है। पहले तो हम इसका ये जो है प्लस माइनस देखेंगे, ठीक है। इसमें प्लस यहाँ देख रखा और ये सोनी की बैटरी में प्लस यहाँ अंदर देख रखा, मतलब इस पॉइंट पर प्लस देख रखा और ये नोकिया की बैटरी इसमें इस प्लाइंट पे देख रहा है, ठीक है। तो हम बैटरी इस प्रकार से तो इसमें लगा के नहीं देख सकते, हम एक काम करते हैं पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है। खोल लेते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारी उसी मोबाइल की बैटरी अगर नहीं उठ रहा है तो हम दूसरे मोबाइल नोकिया की बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसमें प्लस इधर है बाहर की तरफ और इस सोनी में जो प्लस है अंदर की तरफ है, तो हमको इसको ऐसे पलटाने हो। अब हमारा ये प्लस इधर आ गया और माइनस यहाँ आ गया, तो हम इसी प्रकार से हमको बैटरी भी ऐसे ही रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे दोस्तों प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस अंदर होने चाहिए, तो हम इसको बैटरी को ऐसे पलटा लेते हैं, ठीक है। अब इसके जो तीन पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये तीनों पॉइंट और इसके तीनों पॉइंट, ये इसके ऊपर ऐसे रख लेते हैं, ठीक। ये रख लेते हैं, ठीक। और हम देखते हैं इसमें से ये जो नीचे वाला पावर का बटन है इसमें देख कर रखा है, कन्फ्यूज ना, ये ऊपर वॉल्यूम नीचे, ये ऊपर वॉल्यूम और नीचे ऑन ऑफ देख रहता है। ये वाली बटन का हम इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली हो गई, ठीक। और ये नीचे वाला, तो हम इसको नीचे वाले को
दबाते हैं ठीक, और हम देखते हैं वहाँ मोबाइल चालू हुआ है कि नहीं। देखो दोस्तों हमारे सोनी का मोबाइल देखो लग रहा है कि चालू हो जाएगा, इसका मतलब हमारे बैटरी में प्रॉब्लम है ठीक है। बैटरी में थोड़ी देर रोज झटका लगा के देख लेते, हो सकता है करंट अभी आया नहीं हो बैटरी में ठीक, तो उसके लिए हम और झटका लगा के देख लेते, हो सकता है। देखो हमें सोनी लिखा आ गया है ठीक, तो हम वाली बैटरी निकाल देते ठीक, और वापस हमको बस इतना पता चलेगा कि हमारा मोबाइल चालू है ठीक है दोस्तों। हम निकाल बैटरी में काफ़ी झटका मार लेते, वेट कर लेते थोड़ी देर ठीक। दोस्तों बैटरी में झटका लगा लिया है, तो हम इसमें क्या कहते हैं इसका मिडिल लगा लेते ठीक, मिडिल लगा लिया हम, इसमें बैटरी लगा के देख लेते ठीक, चालू करके देख लेते हैं ये स्विच को प्रेस करके। देखो दोस्तों ये सोने लिखा आ गया है ठीक है, इसको क्या है ना पूरा आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ठीक है, तो हमने ये देख लो बहुत ज़्यादा हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ बैटरी में हमने शॉर्ट लगाया और ये हमारा सोने का मोबाइल देख लो चालू भी हो गया है ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ने में बहुत थोड़ा समय लगता है क्योंकि सोने का मोबाइल है,